संसार में रहने वाले साधक का आदर्श। तांत्रिक शव साधना में साधक को शव की छाती पर बैठकर साधना करनी होती है। उक्त शव साधना करते समय साधक को पास ही में चना चबाना और मदिरा लेकर बैठना पड़ता है। साधना के समय बीच में यदि शव जाकर मुंह फाड़े तो उस समय उसके मुंह में कुछ चना और मदिरा देना पड़ता है। ऐसा करने से वो फिर स्थिर हो जाता है, अन्यथा वो साधक को डराकर साधना में विघ्न उत्पन्न करता है। इसी तरह तुम्हें संसार में रहकर साधना करनी हो तो पहले संसार की जरूरी मांगों की पूर्ति का प्रबंध कर लो, अन्यथा संसार रूपी शव तुम्हारी साधना में विघ्न डालेगा। संसार में धन की जरूरत है तो सही, परंतु उसके लिए ज्यादा सोचना नहीं। अपने आप जो मिल जाए उसी में संतोष करना सबसे अच्छा भाव है। संचय के लिए ज्यादा सोचो मत। जिन्होंने अपना मन प्राण प्रभु को सौंप दिया है, जो उनके भक्त हैं, शरणागत हैं, वे लोग ये सब इतना नहीं सोचा करते। उनके पास जैसी आए वैसा ही व्यय। रुपया एक ओर से आता है, दूसरी ओर से खर्च हो जाता है। एक गृहस्थ भक्त ने श्री रामकृष्ण देव से पूछा, महाराज क्या मुझे ज्यादा पैसे पाने के लिए कोशिश करनी चाहिए? श्री रामकृष्ण देव ने जवाब दिया, हां, यदि तुम विवेक विचार के साथ संसार धर्म का पालन करो तो ऐसे संसार के लिए आवश्यक धन कमा सकते हो। पर ख्याल रहे कि तुम्हारी कमाई ईमानदारी की हो, क्योंकि तुम्हारा उद्देश्य धन कमाना नहीं है, ईश्वर की सेवा करना ही तुम्हारा उद्देश्य है। ईश्वर की सेवा के लिए धन कमाने में कोई दोष नहीं। भक्त पूछता है, महाराज संसार के प्रति कर्तव्य कब तक रहता है? जब तक संसार में सब की गुजर बसर का प्रबंध ना हो जाए। अगर तुम्हारे बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, तो फिर उनके प्रति तुम्हारा कर्तव्य नहीं रह जाता। श्री रामकृष्ण गृहस्थ भक्तों के प्रति कहते हैं, तुम्हें रुपए की ओर इस दृष्टि से देखना चाहिए कि उससे दाल रोटी मिलती है, पहनने के लिए कपड़ा और रहने के लिए मकान मिलता है, ठाकुर जी की पूजा और साधु भक्तों की सेवा होती है। परंतु धन संचय करना व्यर्थ है। मधुमक्खियां कितनी मेहनत से छत्ता तैयार करती हैं, पर कोई दूसरा ही आदमी आकर उसे तोड़ ले जाता है। स्त्री का पूरी तरह त्याग तुम लोगों के लिए नहीं है, परंतु लड़के बच्चे हो जाने पर पति पत्नी को भाई बहन की तरह रहना चाहिए। एक भक्त ने प्रश्न किया, हमें तो हमेशा दाल रोटी की फिक्र करनी पड़ती है, हम साधना कैसे करें? उत्तर मिला, तुम जिसके लिए श्रम करोगे, जिसका काम करोगे, वही तुम्हें भोजन देगा। जिसने तुम्हें संसार में भेजा है उसने पहले से ही तुम्हारी खुराक का प्रबंध कर रखा है। घर संसार लड़के बच्चे परिवार सब दो दिन के लिए हैं। ताड़ का पेड़ ही सत्य है, फल अनित्य हैं, लगते और झड़ते जाते हैं। कामिनी कांचन का पूर्ण त्याग सन्यासी के लिए है। सन्यासी को स्त्रियों का चित्र तक नहीं देखना चाहिए। अचार या इमली की याद आते ही मुंह में पानी आ जाता है, देखने या छूने की तो बात ही क्या। पर तुम जैसे गृहस्थों के लिए इतना कठिन नियम नहीं है, ये केवल सन्यासियों के लिए है। तुम ईश्वर की ओर मन रखकर अनासक्त भाव से स्त्री के साथ रह सकते हो, पर मन को ईश्वर में लगाने और अनासक्त बनाने के लिए बीच बीच में निर्जन वास करना चाहिए। ऐसे निर्जन स्थान में जाकर तीन दिन या संभव ना हो तो एक ही दिन अकेले रहते हुए व्याकुल होकर ईश्वर को पुकारना चाहिए। एक या दो संतान हो जाने के बाद पति पत्नी को भाई बहन की तरह रहते हुए सतत भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभो, हमें शक्ति दो ताकि हम संयम और पवित्रतापूर्ण जीवन बिता सकें।
संसार में रहो पर संसारी मत बनो। जैसा कि कहावत है, सांप के मुंह में मेंढक को नचाओ पर सांप उसे निगल न पाए। नाव पानी में रहे तो हर्ज नहीं, पर नाव के अंदर पानी न रहे वरना नाव डूब जाएगी। साधक संसार में रहे तो कोई हर्ज नहीं, परंतु साधक के भीतर संसार न रहे। तुम संसार में रहकर गृहस्थी चला रहे हो, इसमें हानि नहीं, परंतु तुम्हें अपना मन ईश्वर की ओर रखना चाहिए। एक हाथ से कर्म करो और दूसरे हाथ से ईश्वर के चरणों को पकड़े रहो। जब संसार में कर्मों का अंत हो जाएगा, तब दोनों हाथों से ईश्वर के चरणों को पकड़ना। निर्लिप्त होकर संसार में रहना कैसा है जानते हो? जैसे कमल की पंखुड़ियां या कीचड़ में रहने वाली पांकाल मछली। जल में रहते हुए भी कमल की पंखुड़ियों में जल नहीं लगता, कीचड़ में रहते हुए भी पांकाल मछली के अंग में कीचड़ नहीं लगता। तुम संसार में रहो भी तो इसमें कोई विशेष हानि नहीं। मन को सदा ईश्वर में लगाए रखकर निर्लिप्त हो, संसार के कर्मों को किए जाओ। जैसे अगर किसी की पीठ में घाव हो जाए तो वो लोगों से बातचीत या दूसरे व्यवहार आदि तो करता है, पर उसका मन हर समय उस घाव के दर्द की ओर ही पड़ा रहता है। यदि किसी में विवेक, वैराग्य और ईश्वर के प्रति तीव्र अनुराग रहे तो संसार में रहते हुए भी उसे कोई हानि नहीं होती। जब भगवान ने तुम्हें संसार में ही रखा है तो तुम क्या करोगे? उनकी शरण लो, उन्हें सब कुछ सौंप दो, उनके चरणों में आत्मसमर्पण करो। ऐसा करने से फिर कोई कष्ट नहीं रह जाएगा। तब तुम देखोगे कि सब कुछ उन्हीं की इच्छा से हो रहा है। गृहस्थाश्रम में रहकर भी ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं, जैसे राजर्षि जनक को हुए थे। परंतु कहने मात्र से कोई जनक राजा नहीं बन जाता। जनक राजा ने पहले निर्जन में जाकर कितने वर्षों तक उग्र तपस्या की थी। गृहस्थों को बीच बीच में कम से कम 3 ही दिन के लिए निर्जन में जाकर ईश्वर दर्शन के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। इससे अत्यंत लाभ होता है। एक बार कुछ ब्रह्म समाज वालों ने मुझसे कहा था, हम राजर्षि जनक का आदर्श मानते हैं, हम लोग उन्हीं की तरह निर्लिप्त रहकर संसार में रहेंगे। मैंने उनसे कहा, जनक राजा का उदाहरण देना आसान है, पर स्वयं जनक राजा के समान बनना इतनी सरल बात नहीं। संसार में रहकर निर्लिप्त रहना बड़ा कठिन है। जनक राजा ने पहले कितनी कठोर तपस्या की थी। तुम्हें इतनी कठोर तपस्या करने की जरूरत नहीं, परंतु साधना करनी ही होगी, निर्जन वास करना ही होगा। निर्जन में ज्ञान भक्ति प्राप्त करके फिर संसार में प्रवेश कर सकते हो। दही एकांत में ही अच्छा जमता है, हिलाने डुलाने से नहीं जमता। जनक निर्लिप्त थे, इसलिए उनका एक नाम विदेह था। विदेह यानी देह बोध रहित। वे संसार में रहते हुए भी जीवन मुक्त थे, परंतु देह बोध का नष्ट होना अत्यंत कठिन है, इसके लिए बहुत साधना चाहिए। जनक राजा बड़े वीर थे, वे एक ही साथ 2 तलवारें चलाते थे, एक ज्ञान की, दूसरी कर्म की। संसारी लोग हमेशा जनक राजा का उदाहरण देते हुए कहते हैं, जनक राजा ने संसार में रहकर ज्ञान प्राप्त किया था। परंतु समूची मानव जाति के इतिहास में जनक राजा जैसा दूसरा एक भी उदाहरण नहीं मिलता। जनक राजा की बात अपवादात्मक है। साधारण नियम तो यही है कि कामिनी कांचन का त्याग किए बिना ज्ञान लाभ नहीं होता। स्वयं को जनक राजा मत समझ बैठो। कितनी शताब्दियां बीत गईं, पर जगत में दूसरा राजा जनक नहीं हुआ। तुम यदि संसार में निर्लिप्त भाव से रहना चाहो
तो पहले तुम्हें निर्जन में रहकर साधना करनी चाहिए। निर्जन में जाना जरूरी है, एक साल के लिए, छह महीने के लिए, एक महीने के लिए, या कम से कम 12 ही दिनों के लिए सही। एकांत में रहते हुए ईश्वर का आंतरिकता के साथ ध्यान चिंतन करना चाहिए, ज्ञान भक्ति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, मन ही मन विचार करना चाहिए, इस संसार में मेरा कोई नहीं है, जिन्हें मैं अपना समझता हूं वे 2 दिन के लिए हैं, सब चले जाने वाले हैं, भगवान ही मेरे आत्मीय जन हैं, वे मेरे सर्वस्व हैं, हाय उन्हें मैं कैसे पाऊं। यही सब चिंतन करते रहना चाहिए। जो लोग किसी को पूजा उपासना करते देख उसकी खिल्ली उड़ाते हैं, धर्म की या धार्मिक व्यक्तियों की निंदा करते हैं, साधना की अवस्था में ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। यदि तुम हाथ में तेल लगाकर कच्चे कटहल को काटो तो तुम्हारे हाथ में उसका दूध नहीं चिपकेगा। इसी तरह यदि ब्रह्म ज्ञान लाभ कर लेने के बाद संसार में रहो तो तुम्हें कामिनी कांचन की बाधा नहीं होगी। जहाज में कंपास का कांटा सदा उत्तर की ओर रहता है, इसीलिए जहाज की दिशा में भूल नहीं होती। इसी प्रकार यदि मनुष्य का मन भी सदा ईश्वर की ओर रहे तो उसे संसार सागर में दिशा चूकने का भय नहीं रहेगा। जैसे लुकी लुकोहल के खेल में अगर कोई ढाई को छू ले तो उसे चोर नहीं बनना पड़ता, वैसे ही मनुष्य यदि एक बार भगवान के चरण कमलों को छू ले तो वो संसार बंधन में आबद्ध नहीं होता। जैसे ढाई को छू लेने पर खेल में पकड़े जाने या दांव देने का डर नहीं रह जाता, वैसे ही भगवान के चरणों को छू लेने पर, उनका आश्रय लेने पर संसार रूपी क्रीडांगन में बद्ध होने का भय नहीं रह जाता। मगरमच्छ को जल की ऊपरी सतह पर तैरना बहुत अच्छा लगता है, पर उसके ऊपर आते ही लोग उसे मारने को दौड़ पड़ते हैं। बेचारा क्या करे, प्राणों के डर से मजबूर होकर उसे पानी के नीचे ही रहना पड़ता है, ऊपर नहीं आते बनता। परंतु फिर भी बीच बीच में मौका मिलते ही वो एक बार सू सू करता हुआ जल के ऊपर तैर लेता है। हे संसारी जीव, मैं जानता हूं कि तुम्हें भी सच्चिदानंद सागर में तैरने की इच्छा होती है, पर स्त्री पुत्र परिवार के बोझ के कारण तुम्हें संसार में डूबे रहना पड़ता है। परंतु फिर भी बीच बीच में मौका पाते ही भगवान का स्मरण करो, व्याकुल होकर उनसे प्रार्थना करो, उन्हें अपना दुख कष्ट जताओ, योग्य समय पर अवश्य ही वे तुम्हें मुक्त करेंगे, आनंद सागर में तैरने की शक्ति देंगे। यदि तुम्हें कभी परिस्थितिवश किसी प्रलोभन से भरे स्थान में जाना पड़े तो तुम अपने साथ आनंदमय जननी को भी लेते जाओ। ऐसा करने से तुम्हारे मन के भीतर अनेक कुविचार या बुरे काम करने की इच्छा उठने पर भी तुम बच जाओगे। जननी के निकट रहने पर तुम लाज के मारे बुरे काम नहीं कर पाओगे। संसार और ईश्वर दोनों बातें एक साथ होना कैसे संभव है? चिवड़ा कूटने वाली स्त्री एक हाथ से ढेंकी की ओखली के भीतर चिवड़ा चलाती है, दूसरे हाथ से बच्चे को गोद में लेकर दूध पिलाती है, साथ ही ग्राहकों के साथ लेन देन का हिसाब करती जाती है। इसी तरह वो एक ही साथ अनेक कामों को करती है, पर असल में उसका मन सदा ढेंकी के मूसल की ओर रहता है कि कहीं वो हाथ पर ना आ गिरे। इसी प्रकार संसार में रहते हुए सब काम करो, किंतु सतत ध्यान रखो कि कहीं ईश्वर के पथ से दूर ना चले जाओ। जिस प्रकार बालक एक हाथ से खंभा पकड़कर जोरों से गोल गोल घूमता है, उसे गिर पड़ने का डर नहीं होता, उसी प्रकार ईश्वर को पक्का पकड़कर संसार के सभी काम करो, इससे तुम विपत्ति से मुक्त रहोगे।
ग्रामीण स्त्रियां सिर पर एक साथ चार पांच घड़े लेकर आपस में सुख दुख की बातें करती हुई रास्ते से चली जाती हैं। घड़े से एक बूंद भी पानी नहीं गिरता। धर्म पथ के पथिक को भी ऐसा ही होना चाहिए। सभी अवस्थाओं में उसे यह ध्यान रखना चाहिए कि मन ईश्वर के पथ से दूर न हट जाए। चरित्रहीन औरत संसार में रहती हुई गृहस्थी के कामकाज में मग्न रहती है, पर उसका मन सदा अपने यार की ओर ही पड़ा रहता है। हे संसारी जीव, तुम भी संसार में अपने कर्तव्यों को करते रहो, पर मन सदा ईश्वर में लगाए रखो। जिस प्रकार धनिकों के घर की दासी मालिक के बच्चों को अपने ही बच्चों की तरह प्रेम से पालती पोसती है, पर मन ही मन निश्चित जानती है कि इन पर मेरा कोई अधिकार नहीं, उसी प्रकार तुम भी अपने बच्चों का प्रेम से पालन पोषण करो, परंतु मन ही मन ये जान रखो कि उन पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं, भगवान ही उनके यथार्थ पिता हैं। बाउल संप्रदाय के फकीर जैसे एक हाथ से इकतारा और दूसरे हाथ से डफली बजाते हैं और साथ ही मुंह से भजन भी गाते जाते हैं, वैसे ही हे संसारी जीव, तुम भी हाथों से संसार के कामकाज करते रहो, परंतु मुंह से ईश्वर का नाम जपना न भूलो। बड़े घर की नौकरानी मालिक के घर को ही हमारा घर कहती है, परंतु उसे हमेशा ख्याल रहता है कि वो उसका अपना घर नहीं। उसका अपना घर तो दूर वर्धमान या नदिया जिले के किसी देहात में है। उसका मन सदा अपने गांव वाले घर पर ही पड़ा रहता है। वो मालिक के बच्चे को अपने बच्चे की तरह संभालती है और कहती है, मेरा हरी बड़ा नटखट बन गया है, या मेरे हरी को मीठा अच्छा नहीं लगता। पर वो मन ही मन सदा जानती है कि हरी मेरा कोई नहीं है, वो मालिक का लड़का है। यहां जो लोग आते हैं, मैं उनसे कहता हूं कि संसार में दासी की तरह निर्लिप्त रहो। तुम संसार में रहो, पर संसार तुम में न रहे। तुम्हारा मन ईश्वर में लगा रहे। तुम्हारा अपना घर ईश्वर के यहां है। मैं उनसे ये भी कहता हूं कि उनकी भक्ति के लिए व्याकुल होकर उनके चरणों में प्रार्थना करो। मन में सदा ये भाव रखना कि घर द्वार परिवार इनमें से कुछ भी तुम्हारा नहीं है, सब भगवान के हैं। तुम भगवान के दास हो, उन्हीं की आज्ञा का पालन करने संसार में आए हो। ये भाव दृढ़ हो जाने पर वास्तव में किसी भी वस्तु के प्रति ममत्व बुद्धि नहीं रह जाती। संसार में रहकर सब कर्तव्यों को करते हुए जो मन को ईश्वर में स्थिर रखकर साधना कर सकता है, वो यथार्थ में वीर साधक है। शक्तिवान पुरुष ही सिर पर दो मन भारी बोझ लादकर चलते हुए गर्दन मोड़कर राह से गुजरती हुई बारात की ओर देख सकता है। जो संसार में रहते हुए साधना करते हैं, वे किले की ओट से युद्ध करने वाले सैनिकों की तरह होते हैं, और जो भगवान के लिए संसार को त्याग कर चले जाते हैं, वे खुले मैदान में लड़ने वाले सैनिकों की तरह होते हैं। किले के भीतर रहकर लड़ना खुले मैदान में लड़ने से काफी सरल और सुरक्षित है। शत्रु का मुकाबला करने की तैयारी के लिए पहले सैनिक लोग बैरक में ही युद्ध करना सीखते हैं। बैरक में युद्ध क्षेत्र की तरह कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता। इसी प्रकार तुम लोग भी सन्यासी जीवन को अपनाने के लिए गृहस्थी की सुख सुविधाओं के भीतर रहकर साधना करते हुए उस जीवन की कठिनाइयों को सहने के लिए तैयार हो लो। वो मनुष्य धन्य है जिसका मस्तिष्क और हृदय दोनों ही समान रूप से विकसित हुए हैं। सभी परिस्थितियों में वो सरलता के साथ उत्तीर्ण हो जाता है। भगवान के प्रति उसमें सरल विश्वास और दृढ़ श्रद्धा भक्ति होती है। साथ ही उसके आचार व्यवहार में भी
कहीं कोई कमी नहीं होती। सांसारिक व्यवहार के समय वो पूरा पूरा व्यवसायी होता है। विद्वान पंडितों की सभा में वो सर्वश्रेष्ठ विद्वान सिद्ध होता है। वाद विवाद में अकाट्य युक्तियों द्वारा वो अपनी तीक्ष्ण बुद्धि का परिचय देता है। माता पिता के सम्मुख वो विनयी आज्ञाकारी होता है। आत्मीय स्वजन और मित्रों को वो अतिशय प्रिय प्रतीत होता है। पड़ोसियों के प्रति वो दया और सहानुभूति रखता और सदा उनकी मदद के लिए तैयार रहता है। पत्नी के सामने वो मानो साक्षात मदन देवता होता है। इस तरह का मनुष्य वास्तव में सर्वगुण संपन्न होता है। सन्यासी का आदर्श। मनुष्य का पहला जन्म पिता से होता है, उपनयन के समय उसका दूसरा जन्म होता है और सन्यास के समय फिर तीसरी बार जन्म होता है। संसार में रहने से मन का बहुत सा भाग फालतू खर्च हो जाता है। इससे मन को जो क्षति पहुंचती है उसकी पूर्ति सन्यास ग्रहण करने पर ही हो सकती है। सन्यास ग्रहण का योग्य अधिकारी कौन है? जो संसार को पूर्ण रूपेण त्याग देता है, कल क्या खाऊंगा क्या पहनूंगा इसकी बिल्कुल फिक्र नहीं करता, वही ठीक ठीक सन्यासी बनने लायक है। जो ताड़ के पेड़ पर से निर्भय होकर नीचे कूद सकता है वही सन्यास ग्रहण करने का योग्य अधिकारी है। योगी और सन्यासी सर्प के समान होते हैं। सर्प अपने लिए कभी बिल नहीं बनाता, वो सदा चूहे के बिल में रहता है। एक बिल नष्ट हो जाए तो दूसरे में चला जाता है। योगी सन्यासी लोग भी इसी तरह अपने लिए घर नहीं बनाते, वे दूसरों के यहां रहते हैं। आज यहां तो कल वहां, इस तरह दिन बिताते हैं। साधु लोग दिशा जंगल और अन्न पानी की सुविधा देखे बिना कहीं डेरा नहीं डालते। दिशा जंगल माने शौचादि के लिए सुविधाजनक निर्जन स्थान और अन्न पानी माने भिक्षा। भिक्षान्न के द्वारा ही तो साधुओं का शरीर धारण होता है, इसलिए जहां पास ही में आसानी से भिक्षा मिल सकती है ऐसे ही जगह साधु लोग आसन लगाते हैं यानी डेरा डालते हैं। कभी चलते चलते थक जाने पर, किसी जगह भिक्षा की सुविधा ना होने पर भी वे कष्ट सहते हुए दो एक दिन के लिए डेरा डाल भी लेते हैं। परंतु जहां जल का अभाव हो तथा दिशा जंगल की कठिनाई हो, अर्थात शौचादि के लिए एकांत स्थान ना हो, वहां वे कभी नहीं ठहरते। जो अच्छे साधु होते हैं वे शौचादि क्रिया वहां नहीं करते जहां सब लोग करते हैं और जहां लोगों को दीख पड़ता है। वे तो दूर निर्जन में गुप्त रूप से वो सब निपटा आते हैं। सफेद स्वच्छ कपड़े पर अगर थोड़ा सा भी काला लग जाए तो वो बहुत भद्दा दिखाई देता है। साधुओं का छोटा सा दोष भी बड़ा भारी मालूम होता है। सन्यासी यदि स्वयं निर्लिप्त हो, जितेंद्रिय हो, तो भी लोगों के सामने आदर्श रखने के लिए उसे कामनी कांचन का सर्वतोभावेन त्याग करना चाहिए। सन्यासी का सोलहों आना त्याग देखकर ही लोगों को साहस होगा, तभी वे कामनी कांचन को त्यागने का प्रयत्न करेंगे। भला त्याग की शिक्षा अगर सन्यासी ना दे तो कौन दे? सच्चे सन्यासी या त्यागी का लक्षण क्या है जानते हो? उसे कामनी कांचन के किसी भी प्रकार के संस्पर्श में नहीं रहना चाहिए। यहां तक कि स्वप्न में भी यदि उसका कामिनी से सहवास हो, वीरपात हो जाए अथवा कांचन के प्रति आसक्ति हो जाए तो इतने दिनों का साधन भजन सब नष्ट हो जाता है। जब तुमने साधु सन्यासी का वेश धारण किया है तब तुम्हें साधु सन्यासियों जैसा ही आचरण करना चाहिए। जैसे नाटक में जो राजा बनता है वो हमेशा राजा ही बनता है, जो मंत्री बनता है वो हमेशा मंत्री ही बनता है। एक बार एक बहुरूपिया साधु सजकर जमींदार के यहां आया था। जमींदार ने उसे रुपया देना चाहा पर उसने छुआ तक नहीं। थोड़ी देर बाद वो नहा धोकर वेश बदलकर फिर आया और बोला,
जो दे रहे थे अब दे दो। जिस समय वो साधु बना हुआ था उस समय वो रुपये को छू भी नहीं सका था, पर अब चवन्नी भी मिल जाए तो खुश होगा। एक आदमी अपने बीमार बच्चे को गोद में ले एक साधु के पास दवा लेने गया। साधु ने उससे कहा, कल आना। दूसरे दिन जब वो आदमी फिर गया तब उस साधु ने कहा, बच्चे को गुड़ बिल्कुल मत खाने देना, इसी से वो अच्छा हो जाएगा। तब वो आदमी बोला, महाराज ये बात आप कल ही बता देते। साधु बोला, हां बता तो सकता था, पर कल मेरे सामने ही गुड़ रखा हुआ था। ये बात अगर मैं कल बताता तो तुम्हारा बच्चा सोचता कि यह साधु खुद तो गुड़ खाता है और दूसरों को मना करता है। जो व्यक्ति माता पिता या पत्नी से झगड़ा हो जाने के कारण वैरागी बन जाता है उसे खीजा हुआ वैरागी कहते हैं। उसका वैराग्य 2 दिन के लिए होता है। किसी बड़ी जगह अच्छी नौकरी मिल गई कि वो वैरागी छोड़कर नौकरी करने लग जाता है। सच्चे साधु की क्या पहचान है? जिसका मन प्राण अंतरात्मा पूरी तरह ईश्वर में ही समर्पित हो वही सच्चा साधु है। सच्चा साधु कामिनी कांचन का संपूर्ण त्याग कर देता है। वो स्त्रियों की ओर ऐहिक दृष्टि से नहीं देखता, वो सदा स्त्रियों से दूर रहता है, और यदि उसके पास कोई स्त्री आए तो वो उसे माता के समान देखता है। वो सदा ईश्वर चिंतन में मग्न रहता है और सर्वभूतों में ईश्वर विराजमान है ये जानकर सबकी सेवा करता है। ये सच्चे साधु के कुछ साधारण लक्षण हैं। जो साधु दवाई देता हो, झाड़ फूंक करता हो, पैसे लेता हो और भभूत रमाकर या माला तिलक आदि बाह्य चिन्हों का आडंबर रचकर मानो साइन बोर्ड लगाकर लोगों के सामने अपनी साधुगिरी का प्रदर्शन करता हो उस पर कभी विश्वास मत करना। सन्यासी का स्वभाव ही है क्षमाशीलता।